हेलो माय ट्यू फैमिली। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू भुना मसाला। ये रेसिपी इतनी टेस्टी, लाजवाब है और बन भी चटपट से जाती है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तभी आप इसे ये रेसिपी बना के खिला सकते हैं। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो बनाना स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने रख दी है कढ़ाई, इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच तेल के। जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा। जब जीरा चटकने लग जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो यहाँ पे हमने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी और प्याज को यहाँ पे हमें बारीक बारीक कट कर लिया है। तो अब हम क्या करना है, यहाँ पे हमें प्याज को अच्छे से भून लेना है जब तक प्याज का कलर हल्का सा चेंज ना हो जाए। तब तक यहाँ पे हमें प्याज को अच्छे से भून लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसे भी यहाँ पे हमने दरदरा कूट लिया है। तो उसके बाद यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्च। तो ये कम तीखी वाली हरी मिर्च है, तो अगर आप चाहें तो हरी मिर्च को इसमें कूट कर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक अदरक और लहसुन में से हल्की हल्की खुशबू ना निकले। तब तक यहाँ पे हम इसे मिक्स कर लेना है और तब तक यहाँ पे हमें प्याज का भी कलर अच्छे से चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो यहाँ पे 2 टमाटर को पीस के यहाँ पे हमने इसमें डाल दिया है। उसके बाद इसे भी हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखिए बस इसे भी यहाँ पे हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आपको एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे मसाले। तो यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हम इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए। उसके बाद यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला और स्वाद के अनुसार हम इसमें डाल देंगे नमक। अब हम क्या करेंगे, सारे मसालों को यहाँ पे हमें कर लेना है पहले अच्छे से मिक्स। जब ये मिक्स हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच घर की ताजी मलाई। दोस्तों इसे आप ज़रूर डालिएगा, इससे सब्जी का टेस्ट 2 गुना बढ़ जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको फ्रेश मलाई ही इसमें डालनी है। उसके बाद यहाँ पे हम इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें इसे तब तक मिक्स करना है जब तक ग्रेवी और मलाई आपस में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती। तब तक यहाँ पे इसे हमें एक बार अच्छे से चला लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो यहाँ पे हम इसे लो फ्लेम पे ढक के रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने रख दिया एक पैन, इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच तेल का। जब तेल गर्म हो जाएगा तब यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो यहाँ पे 2 प्याज मैंने ली थी जिसे मैंने लंबाई में कट कर लिया है, और एक यहाँ पे हमने ली थी शिमला मिर्च, इसे भी यहाँ पे हमने लंबाई में कट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें इस सबको अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का हल्का सा भूनना है। तो अब हम इसमें डाल देंगे आलू को। तो यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के हमने आलू लिए थे। आलू को यहाँ पे हमने अच्छे से उबाल के इसके छिलके निकाल के इस तरह से कट कर लिया है। तो यहाँ पे हमें साथ साथ आलू को भी अच्छे से भून लेना है। तो ये देखिए बस इसी तरह से हम आलू को भी अच्छे से भून के तैयार कर लेते हैं। तो इसे भी हम करीब 1 मिनट के लिए दोनों को साथ में भून लेंगे। और यहाँ पे हमें गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और साथ में यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। इस सबको डालने के बाद इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे आलू और शिमला मिर्च और प्याज भी अच्छे से भून चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख लेते हैं ग्रेवी को। तो ये देखिए यहाँ पे ग्रेवी भी अच्छे से पक चुकी है। तो यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप पानी। तो पानी डाल के एक बार इसे अच्छे से चला लीजिएगा और फिर से यहाँ पे आपको इसे अच्छे से पका लेना है। तो यहाँ पे हम इसे अच्छे से चला के फिर से इसे ढक के 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पका लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे ढक दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं और ग्रेवी में से तेल भी अलग हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे सारी भुनी हुई सब्जियाँ। तो इसे डालने के बाद अब हम इसे क्या करेंगे, हल्के हल्के हाथों से यहाँ पे हम इसे मिक्स कर लेना है। आपको ध्यान रखना है बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से यहाँ पे आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों ये सब्जी इतनी टेस्टी और लाजवाब बनते हैं ना, सच में सब उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे, इतनी लाजवाब ये सब्जी बन के तैयार होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में प्यारा सा कमेंट करके हमें ये भी बताइएगा कि आपके मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर से हमने इसमें 1/2 कप पानी डाल दिया है। तो फिर से हम इसे अच्छे से चला लेंगे और इसे करीब हम 5 मिनट के लिए फिर से ढक के रख देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी सब्जी बन के तैयार हो चुकी है। इतनी टेस्टी लाजवाब ये सब्जी बन के तैयार हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया, लेकिन इससे डालने से पहले यहाँ पे आपको एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों देखते ही मुंह में आ गया है ना पानी, सच कहती हूँ बहुत टेस्टी लाजवाब ये सब्जी बनके तैयार होती है। तो चलिए यहाँ पे अब हम इसे सर्विंग के लिए निकाल लेते हैं।
तो ये लीजिए, यहाँ पे हमारे गर्मा गर्म आलू भुना मसाला सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। इतनी टेस्टी, लाजवाब। आप इसे पूरी के साथ, रोटी के साथ, यहाँ तक कि चावल की रोटी के साथ भी आप इसे खा के इंजॉय कर सकते हैं, और साथ में यहाँ पे आप चावल के साथ भी इसे खा के इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में प्यारा सा कमेंट करके हमें ये भी बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है, और हाँ, ये भी आप ज़रूर हमें बताइएगा कि ये मेरा वीडियो आप किस शहर से देख रहे हैं। तो ज़रूर ये सब्ज़ी अपने घर पर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको राधे राधे।